अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कोर्स। मेरा नाम अदीर अहमद है एंड आवर टुडेज टॉपिक इज नेस्टेड क्वांटिफायर्स। नेस्टेड क्वांटिफायर्स बेसिकली एक ऐसा क्वांटिफायर होता है जो कि किसी दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप के अंदर पियर हो या उसकी क्रेस्ट जो है वो अवेलेबल हो, तो ऐसे क्वांटिफायर को हम नेस्टेड क्वांटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्वांटिफायर है पी ऑफ एक्स वाई, इसमें हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो स्टेटमेंट लिखी है, वो हमारे पास यूनिवर्सल डोमेन है और यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं। तो फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हमारा आउटर ये क्वांटिफायर है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट ए वाई, यानी कि इसी एक्स डोमेन के अंदर हम एक वेरिएबल या एक जो क्वांटिटी है y, उसको नेस्टेड क्वांटिफायर्स कहेंगे। डेयर मेक्स द फंक्शन ऑफ p ऑफ x एंड x कॉमा y। फॉर ऑल x, कोई हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है y की, इसको हम x में ऐड करेंगे तो हमारे पास सम जो है वो ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से जब एक वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल के डोमेन के अंदर इस्तेमाल होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये हम नेस्टेड क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं क्वांटिफिकेशन की ऑफ टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स को कौन से डिफरेंट वेज के अंदर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो फॉर ऑल पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो उनकी क्वांटिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि फॉर ऑल एक्स के साथ भी लगाना है और फॉर ऑल हमने वाई के साथ भी लगाना है, सच डेट पी ऑफ एक्स कमा वाई है, या हम y को पहले लिख लें और x को बाद में लिख दें। तो ये फॉर ऑल पेयर्स हैं x और y के, चाहे वो y x हो या x y हो। इस तरह फॉर एवरी x देर इज ए y सच डेट p ऑफ x कमा वाई, तो एवरी है तो यहाँ पर हमने फॉर ऑल का सिंबल लगाना है, फॉर ऑल x देर इज y, तो देर एग्जिस्ट के लिए हमने एग्जिस्टेंस का सिंबल जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन जो है वो e यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। पी एफ एक्स वाई देर इज एन एक्स सच डेट पी एफ एक्स वाई फॉर ऑल वाई, कि कोई ऐसा एक्स है इसके लिए फंक्शन पी एफ एक्स वाई जो है वो वाई के लिए ट्रू है, तो देर एग्जिस्ट देर इज एन है, तो हम यहाँ पर हमने देर एग्जिस्ट का सिंबल इस्तेमाल किया। देर एग्जिस्ट सम वेरिएबल एक्स सच डेट फॉर ऑल वाई पी एफ एक्स वाई विल बी ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास देर इज ए पेयर एक्स वाई सच डैट पी एफ एक्स वाई विल टर्न ट्रू, तो यहाँ पर भी हमारे पास अब देर इज ए पेयर है और पीछे जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे उसमें फॉर ऑल पेयर था, तो जब देर इज है तो हमने दोनों के साथ देर एग्जिस्ट का सिंबल इस्तेमाल कर लेना है और वाई और एक्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो ये कुछ टू वेरिएबल्स की क्वांटिफिकेशन की एग्जाम्पल्स थी जो कि नेस्टेड क्वांटिफिकेशन के अंडर आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेस्टेड क्वांटिफिकेशन में हमने जब स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं जिनके अंदर नेस्टेड क्वांटिफायर इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी क्या स्टेटमेंट बनती है। हमारे पास डोमेन है यूनिवर्सल डोमेन u ऑल रियल नंबर्स की, और हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल x फॉर ऑल y देयर इज x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x। इसको अगर हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंस फॉर्म में लिखें तो फॉर ऑल रियल नंबर x और फॉर ऑल रियल नंबर y, x प्लस y इज इक्वल टू होगा y प्लस x के, यानी अगर हम कहते हैं कि 1 प्लस 2 है तो वो 2 प्लस 1 के इक्वल होगा, तो सेम है इसका आंसर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू है 2 प्लस 1 के, तो दोनों का आंसर 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो रिवर्स करते हैं जी, ये सेम एग्जांपल है, जस्ट हमने क्या किया इस एग्जांपल में कि वेरिएबल्स को रिवर्स कर लिया है, पहले हमारे पास x था और अभी हमारे पास y है। फॉर ऑल y एंड फॉर ऑल x देयर इज ए इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम क्वांटिफायर्स को रिवर्स करेंगे तो इससे हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। जी नेक्स्ट हम एक फॉल्स एक्सप्रेशन की एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं इन अंडर नेस्टेड क्वांटिफायर्स, कि हमारे पास यूनिवर्सल डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और हमारे पास एक्सप्रेशन है कि देयर एग्जिस्ट सम वेरिएबल वाई सच डेट
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। अगर हम इसी को इंग्लिश के अंदर एक्सप्रेस करें तो वो कुछ हिस्सा से होगा कि देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर y सच डेट फॉर एवरी रियल नंबर x, x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू है ज़ीरो। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्लेम कर रही है कि आपकी जो एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो रिटर्न करेगी किसी खास y की वैल्यू के लिए। जब वो खास y की वैल्यू आप x में ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। तो ओबियसली हमारे पास x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम y की कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि x में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इस तरह से हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स के अंदर दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। जब एक वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल की डोमेन को शेयर करता है तो हम उसे नेस्टेड क्वांटिफिकेशन के ज़रिए एवेलुएट करते हैं। तो अगर नेस्टेड क्वांटिफायर्स के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन या पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।